अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति देखिए नित्य कह रहे हो ये नहीं कह रहे कि सुबह एक घंटे तुम्हारा ध्यान हो और बाद में तुम ये वो ये वो राम रौला सब करते फिरो नित्य होना चाहिए सोए खाए बैठे उठे जस्ट लाइक अ जेन मास्टर्स नेवर टॉट टू सिट सेपरेटली टू डू मेडिटेशन मेक योर वेरी ऑर्डिनरी लाइफ मेडिटेशन इट इज इजी टू डू मेडिटेशन फॉर वन आवर एंड देन बी नॉन मेडिटेटिव ट्वेंटी थ्री आवर्स इट इज डिफिकल्ट टू बी मेडिटेटिव इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये यूं कहो कि हम तेईस घंटे तो ध्यान में रहते हैं बीच में एक घंटा हम बेहोश होने का रख लेते भी ये मेरा बेहोश होने का वक्त है अब मैं बेहोश होऊंगा पागल होऊंगा गुस्सा खाऊंगा लड़ाई करूंगा द्वेश करूंगा आसक्ति करूंगा कोई एक घंटा रख ले इसमें करूंगा बाकी टाइम मेरा इसी में जाना चाहिए हमारा उल्टा होता है एक घंटे उठते हैं आंख बंद करते हैं और बाकी तेईस घंटे बेहोश कोशिश क्या करे कि अपने जागृति का जो मीटर है उसको हमेशा ऑन रखे एक घंटे को दो में बदले दो को तीन तीन को चार चार को छः ऐसे समय जो है वो बढ़ाता चला जाए कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई वेकफुलनेस इन ऑल सिचुएशंस ध्यान का अर्थ नहीं होता कि तुम आंख बंद करके बैठो तो तुम ध्यान में हो ध्यान का अर्थ है कि तुम जागृत हो खाते पीते बोलते उठते चलते फिरते यहाँ वहाँ आते जाते बात करते हुए किसी भी स्थिति किसी भी हालत में आप अपनी जागृति के सूत्र को हाथ से छूटने नहीं देते तो नित्य ज्ञान अध्यात्म में स्थिति रहे तत्व ज्ञान क्या है कि परमात्मा को सर्वत्र देखना यह है तत्व ज्ञान आत्मस्थिति हो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करे करे अगर दिखता नहीं तो करेगा कैसे तो और वो हो कैसे उसके वो साधन पीछे बता चुके हैं हमें देखिए अगर आप अनुभव से ऐसा न भी देख पाए तो वन थिंग रियली हेल्प एंड दैट इज भी कोई तुम्हें मिले कोई मिले तो उस समय उसके शरीर के आकार को हटाओ वही ये शरीर जो है इस शरीर के पीछे कौन है तुम क्या हो या तो उसके शरीर में फंस जाते हो या उसके मन में फंस जाते हो बुरा है अच्छा है शत्रु है मित्र है मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट इन्वॉल्व इन द पर्सन माइंड मन के तल पर जैसे कोई आया उसको देख के आपको बड़ी खुशी हुई तो यह खुशी उसके शरीर को देख के हुई है कि उसके मन को देख के हुई है कि उसके स्वभाव को देख के हुई एक आदमी को आप मिलते हो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है कौन है क्यों आ गया किस लिए आ गया यह आपको जो खींच आ रही जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है वो उस बंदे के शरीर से है कि उसके मन से है तो या तो तुम उसके शरीर में उलझते हो या तुम उस बंदे के मन से उलझते हो लेकिन मन के पीछे भी तो देखो ना उसके मन के पीछे कौन है रिफ्लेक्ट ऑन दैट तो शरीर के आकार को मन के विचार को हटाओ और जिसे तुम मिल रहे हो वो वास्तव में कौन है अरे वो तो वास्तव में ब्रह्म ही है जैसा ब्रह्म यहां तैसा ब्रह्म वहां तो मैं ही मैं को मिल रहा मैं आनंद स्वरूप हूं मैं अपने ही आनंद स्वरूप की दूसरी प्रति छवि को मिल रहा हूं तो आपका शत्रु आया मिलने या मित्र आया मिलने और आपने दोनों के शरीर और मन और बुद्धि को हटाया और पीछे तो वही एक ब्रह्म है तो बोलो किसको मिलने से खुशी होगी और किसको मिलने से नाराजगी तुम खुशी और नाराजगी दोनों से परे हो जाते हो फंसते तुम कब हो जब तुम सत्य नहीं देखते हो और मन और बुद्धि और विचार और शरीर को देखते हो तब तुम्हारी दिक्कत शुरू हो जाती कबीर के लिए हम बचपन में ये कहानी सुना करते थे कबीर के जीवन की कबीर को बाजार में किसी ने मारा अब कहानी सच है या नहीं ऐसा हुआ या नहीं मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है पर ये कहानी का मॉरल जो निकलता वो बड़ा प्यारा तो उनको किसी ने पत्थर मारा खून आया तो सर में हाथ रखे हुए घर को वापस लौट रहे हैं रास्ते में कोई मिले वो कहते किसने मारा कबीर तुम्हें किसने मारा कहते तय मारे किसी ने पट्टी कर दी कोई पूछते हैं कबीर किसने मारा किसने पट्टी की बोले तय मारे तय पट्टी की तूने मारा तूने ही पट्टी की कोई दूध ले आया हल्दी डाल के कबीर साहब पियो दर्द उठ जाएगी कबीर दूध पी रहे कोई आया पूछता है कि किसने दूध पिलाया बोले तय पिलाया बोले मैं तो अभी आ रहा हूं कबीर बात कर रहे हैं अस्तित्व की और सुनने वाला सुन रहा है शरीर तक की बात को वो मैंने तो नहीं मारा जो पूछे किसने मारा कबीर बोले तय मारे है। लोग बड़े परेशान हो मैंने मारा अरे कैसे बोल मैंने कब मारा तुम वो सफाई देते मैंने कब मारा मैं तो अभी मिल रहा हूं कबीर खूब हंस के रह जाते किसने मारा तय मारे किसने दूध पिलाया पिलाया किसने पट्टी करी पट्टी करी बात खत्म हो गई क्योंकि रूप चाहे कोई हो मेरे लिए तो तू ही है तू ही है तो जो कुछ भी हो उसमें जिम्मेदार मैं किसी और को कैसे ठहरा सकता हूं सो वेन यू मूव फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म लेस दैट इज कॉल्ड तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान ये नहीं कि बैठे तुम वेद के वचन बांच रहे हो अम ब्रह्म अस्मी अम ब्रह्म आम्द्र। ना 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 तत्व ज्ञान ये है कि तुम व्यवहार में अपने शरीर मन बुद्धि को भी परे हटा के देखते हो तो शिव हम और सामने जो कोई दिखता है उसके भी देह मन बुद्धि को पीछे हटा करके पीछे वही शिव हम अपने लिए अहम ब्रह्मास्मि दूसरे को देखता है तो तत्वमसी तू ही ब्रह्म है नित्य ज्ञान में स्थिति हो और तत्वज्ञान रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना यह ज्ञान है और जो कुछ इससे विपरीत है यथ अथ अन्यथ इसके अलावा जो कुछ अन्य है उसको आप अज्ञान जानिए तो आप ज्ञान के साधक हो तो तुम्हें ये करना चाहिए आप अज्ञान के साधक हो तो तुम्हें लास्ट पार्ट करना चाहिए मतलब जो कुछ ये साधन बोले हैं उसको नहीं करो फिर तुम तो। और वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है वो तो हो ही रहा है तत्ज्ञान क्या है सर्वरूप में उसी को देखना ज्ञान क्या है अपने आप में भी उसी को देखना ज्ञेम यवक्ष्यामी यज्ञा मृतमश्नुते अनादिपरम ब्रह्म न सतत नुच्य जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको अच्छी प्रकार कहूंगा वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय है ना सत्य कहा जाता है ना असत कहा जाता बात बड़ी गहरी हो रही है वह जो आदि रहित है अब उस ब्रह्म को मैं कहता हूं और ध्यान से सुन ना वो सत कहा जा सकता है नहीं वो असत कहा जा सकता है देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये गाड़ी यहां किसी दूसरे ही ट्रक में लगी है जाने और बात और भी गहरी है और ये समझ जिसको आए तो धन्यभागी है और जिसे समझ ना आए वो जाने कि अभी उसको बहुत सारा अंतकरण को शुद्ध करने की बुद्धि को एकाग्र और चित्त को समाहित रखने की जरूरत है अगर समझ नहीं आए तो बस प्रार्थना कीजिए कि किसी दिन समझ आए अभी तक वो कह रहे थे ब्रह्म सत्य है शाश्वत है अनंत है लेकिन अब कृष्ण कह रहे हैं जो अकथनीय है उसको ना हम सत कह सकते हैं न हम असत कह सकते हैं क्योंकि सत्य शब्द भी मनुष्य का बनाया है और असत्य शब्द भी मनुष्य का ही बनाया है और मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी शब्द उस ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकता हम अपने समझने के लिए ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और वास्तव में ब्रह्म न सत्य है ना असत्य है कृष्ण के विराट स्वरूप की बात जहाँ आई थी वहाँ कृष्ण ने ये कहा अंधकार भी मैं ही हूँ तमस भी मैं ही हूं तो फिर इसको अगर उस श्लोक को इसमें ले आए तो हो जाएगा सत्य भी मैं ही हूँ असत्य भी मैं ही ना सत्य है ना वह असत्य है दोनों से ही परे परे से भी परे कहा नहीं जा सकता है वर्णन अतीत है सर्वतः पाणिपादम् तत्सर्वतुक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्ल लोके तिष्ठति वह सब ओर से हाथ पैर वाला है सब ओर से नेत्र सिर मुख वाला सब ओर से श्रोत्र वाला क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके ही वो अस्तित्व है ना सत्य है ना असत्य है ऐसे सब पैर सब हाथ सब पेट सब बुद्धि सब मन में वही व्याप्त है सब में व्याप्त है देखिए पृथ्वी से जल अधिक है तो जल पृथ्वी में भी व्याप्त है जल से वायु अधिक है वायु जल में भी है जल के बगैर भी है वायु अग्नि दोनों देखा जाए तो एक दूसरे में है पर जहां वायु नहीं तहा अग्नि भी है और पृथ्वी जल अग्नि वायु में आकाश व्याप्त है आकाश इनके अंदर भी मौजूद है और इनके बगैर भी अनंत है अनंत बोले तो पृथ्वी जल की तुलना में अनंत है ऐसे अनंत नहीं है ये व्याप व्यापक भाव की बात हो रही है पृथ्वी में जल व्यापक है तो पृथ्वी में भी जल है और पृथ्वी नहीं है तो हां भी जल है आकाश में बादल बनके जल ही तो है पर वहां पृथ्वी नहीं है तो जो जिससे व्यापक है वो जिसमें व्याप्य है उसमें भी मौजूद है और उसके बगैर भी है अब ये बड़ी ए, लाजिक की बात है ये तर्क की बात है ये सर्व को आवृत जिसने करके रखा है वो कौन है हम यूं कह सकते हैं जल को पृथ्वी को जल ने आवृत किया है जल को वायु ने आवृत किया है वायु को अग्नि ने किया है अग्नि को आकाश ने किया है आकाश को महाकाश ने किया है महाकाश को महतत्व ने आवृत किया है महतत्व को अहंकार ने आवृत किया है और अहंकार को तो ब्रह्म ने आवृत किया है तो ब्रह्म इस सब में मौजूद भी है और ये सब ना हो तब भी है मानी अंदर भी है बाहर भी है बाहर भी है अंदर भी है और फिर अलग है, है फिर असंग है फिर अनछुआ है वर्जिन करोड़ों करोड़ों सृष्टिया जिस ब्रह्म में पैदा होती हैं और टिकती हैं और लय हो जाती हैं उस ब्रह्म को ये सृष्टि का बनना टिकना मिटना प्रभावित नहीं करता आकाश की न्याय शून्य ही है सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रच निर्गुण गुण भोक्त संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है निर्गुणम माने गुणों से अतीत है और योग माया के द्वारा सबका धारण पोषण करने वाला है और गुणों को भोगने वाला भी है क्षेत्र क्षेत्र दोनों एक ही है गुण भी वो इंद्रिय भी वो इंद्रिय रहित भी है मन वाला भी है मन रहित भी है विषय भी है भोग भी है भोगता भी है और भोक्ता होकर के भी असंग है गुण होकर के भी असंग है निर्गुण ही सरगुण हुआ कैसे कहा योग माया से तो निर्गुण सरगुण में भी है और सरगुण के बिना भी है अब देखिए बात बहुत बढ़िया निकल रही है सरगुण कृष्ण निर्गुण कृष्ण तो निर्गुण कृष्ण सरगुण कृष्ण में भी है और निर्गुण कृष्ण सरगुण कृष्ण न भी रहे तो भी है साकार कृष्ण में भी निराकार कृष्ण है अब साकार कृष्ण नहीं है निराकार कृष्ण अब भी है तो जो कभी हो कभी ना हो उसी को हम साकार कहते हैं जो हमेशा रहे उसी को निराकार कहते जैसे मिट्टी है आ, मिट्टी में आपने ए, खेल खेल में हाथी बनाया हाथी बन गया हाथी अभी भी मिट्टी है आपने उसे तोड़ दिया फिर घोड़ा बना दिया तोड़ दिया दीपक बना दिया तोड़ दिया आकार तो हम कुछ भी चेंज कर लेना कभी किया ऐसा कभी तुमने करना चाहिए करना चाहिए एक ही मिट्टी में से कुम्हार कितने प्रकार के खिलौने बना देता है हर खिलौने में भी मिट्टी है खिलौना टूट जाए शेष मिट्टी तो भी बचती है। मिट्टी हमेशा रहेगी खिलौने कभी कभी खिलौनों के रूप आकार बदलते हैं मिट्टी वैसी की वैसी रहती ऐसे ही ब्रह्म हमेशा वैसे का वैसा रहता है उसमें आकार बदलते रहते अभी पृथ्वी है मनुष्य हैं पेड़ पत्थर पहाड़ झरने समंदर तारे सितारे सब कुछ हैं फिर ये सब आकार खत्म हो जाता है फिर कुछ नहीं है फिर कुछ है फिर कुछ नहीं है फिर कुछ है फिर कुछ, है फिर कुछ नहीं है इसी को संसार बोलते अब दिक्कत कहाँ है दिक्कत है तुम्हारे मन में जब आकार है तो खुश होते हो जब आकार चला गया तो रोते हो शरीर है सामने अब मेरा भाई है मेरा बाप है मेरी माँ है मेरा पुत्र है मेरी बहन है मेरा मेरी तुमने उनके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता संबंध में मेरी जोड़ी फिर एक दिन आया वो शरीर गिर गया मैंने मर गया अब तुम रोते हो क्यों रोते हो देह उसकी अभी भी है देह जलाओगे कहीं पानी में डाल दोगे किसी नदी में डाल दोगे तो जो उसके शरीर का आकार था उसको अग्नि ने समाप्त किया जो अवशेष बचे वो तुमने पानी में इधर उधर बहा दिए तो पानी अभी भी है पृथ्वी अभी भी है वायु वायु में है जल जल में है शरीर की जो उसकी हड्डियां थी वो तो सब चूरा होके वापस पृथ्वी में मिल गई जो शरीर के अंदर वायु थी वो बाहर समी वायु में मिल गई अग्नि अग्नि में लीन हो गई तो देखा जाए जिस रॉ मटेरियल से शरीर बना था वो रॉ मटेरियल तो व्यक्ति के मर जाने के बाद भी मौजूद है पर तुम फिर भी रोते हो क्यों रोते हो हाय मेरा भाई मर गया तो तुम मेरे को रो रहे हो पृथ्वी को नहीं रोते जल को नहीं रोते अग्नि को नहीं रोते वायु को नहीं रोते आकाश को नहीं रोते और इसी पृथ्वी जल वायु आकाश से शरीर बना था अच्छा तुम शरीरों को भी नहीं रोते हो दुनिया में कितने लोग आज मर रहे होंगे किसको रो रहे हो तुम्हारे वाला जहां मरे तहां रोते हो उसमें भी क्यों रोते हो तो वो वो जो मिट्टी का खिलौना बना था वो टूट गया वो वापस मिट्टी हो गया तो फरीद कहता है शरीर को जब देखे तो उतनी बार याद करे ये मिट्टी ही है मिट्टी ही है मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा तो कुछ भी नहीं रूप रूप फिर अरूप अरूप फिर से हो जाता है रूप बस यही यही चल रहा अभी रूप है शरीर है प्राण है रूप है फिर ये प्राण महाप्राण प्राण में मिले ये शरीर पंचभूत में वापिस लीन हुआ तो आप दिखते नहीं है तो कभी तत्व शरीर बन के दिखते हैं और कभी यही तत्व नहीं दिखते हैं दिखते तो फिर भी है पर दूसरे रूप में दिखते देखो अभी भी हम यहां बैठे हैं जो वायु तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है वो बाहर भी आ रही है और तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है वो तुम्हारी छोड़ी हुई सांस को ले रहा है क्योंकि छोड़ी हुई सांस उसी वायु में मिल गई अब वायु एक ही है इसके शरीर में गई निकली उसके शरीर में गई निकली उसके शरीर में गई निकली निकली आई गई आई गई एक ही वायु आ रही है जा रही है पर जब वायु तुम्हारे शरीर में आई तो तुम कहती हो ना कैसे फ्री में निकल के आती है मैं फ्री गिफ्ट इन साइड मैं इज जस्ट अ फ्री गिफ्ट इन साइड समझ रहे हो जैम की बॉटल खरीदी और साथ में सॉस की एक पिचकू फ्री साबुन खरीदते हो साथ में तेल फ्री आजकल तो शैंपू खरीदो साथ में ज्वेलरी फ्री फ्री ऐसे ही शरीर मन बुद्धि तो पंच महाभूतों का है ये मैं कहाँ से आई ये ढूंढो तो सही इसका स्रोत कहीं नहीं मिलेगा देखो शरीर बना पृथ्वी से जल से अग्नि से वायु से आकाश से ये मैं कहां से बनी पृथ्वी में से तो आ नहीं सकती जल में, आनी सकती। में आनी सकती। से आ नहीं सकती अग्नि में आ नहीं सकती वायु से आ नहीं सकती आकाश से आ नहीं सकती आई कहाँ से ये मैं जो वायु देह के अंदर गई उसको तुमने कहा मैं और जो वायु चली गई बाहर और वो गई किसी दूसरे के शरीर में तुम उसे कहते हो तू माने अभी उसी हवा को कह रहे थे मैं अब उसी हवा को कह रहे हो तू तो तू मैं है मैं तू है तू मैं है फिर मैं तू है कि तू मैं है कि मैं तू है सोचो जिस मैं का इतना शोर है वो मैं कुछ भी नहीं देह कुछ भी नहीं जिस देह का तुम इतना मान करते हो ये देह कुछ भी नहीं बुलबुला है पानी का कभी देखा तुमने जल की सतह पर बुलबुले बन जाते हैं और कभी कभी इन बुलबुलों में सूर्य की किरण अगर पास हो जाए तो फट जाती है बुलबुले में ही सात रंग बन जाते कैसा रंग रंगीला बुलबुला है क्या कुछ भी नहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया बुलबुला क्या है जल ने एक आकार ले लिया है उसके अंदर क्या है कुछ भी नहीं तो कोई बड़ा बुलबुला है कोई छोटा देखो ना यहां भी हर साइज के बुलबुले बैठे मिल जाएंगे कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई लंबा है कोई मोटा है कोई काला है कोई गोरा है है बुलबुला ही और कुछ भी नहीं सब ओर से स्रोत सब ओर से कान वही है सब ओर से आंखें वही है सब ओर से मन वाला भी वही है शर्मा वृत्या सर्व में व्याप्त होकर के जो बैठा है उसी को हम ब्रह्म कहते हैं सर्वे इंद्रिय गुणाभाम सर्वे इंद्रिय विवर्जित गुण भोक्त संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है सब इंद्रियों से रहित है आसक्ति रहित है गुणों से अतीत हुआ अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करता है और भोगता भी है इंद्रिय रहित है परमात्मा पर सब इंद्रियों वाला भी है आसक्ति रहित है गुणों से अतीत और गुणों को भोगने वाला भी है तुम कहोगे यहां कहो अतीत है यहां कहो भोगता है दोनों बातें कैसे हो गई लो इसको यूं समझो ये फूल दिख रहा है दिख रहे हैं फूल पीछे दिख रहे है। कैसे दिखे तुम्हारी आंखें यहां तक आई तभी दिखा ना तुम्हारी आंखें यहां तक आई तो फूल दिखा अच्छा आंखों के साथ मन भी आया क्योंकि मन ने ही कहा कि ये मोतिया है मान लो किसी की नजर ठीक से ना देख पा रही हो दूर का दृष्टि खराब है किसी की तो पड़ोसी से पूछेगा ये सफेद तो कुछ दिख रहा है क्या है चंपा है चमेली है जूही है क्या है तो तुम्हारा मन बुद्धि भी तो आया यहां तक आया कि नहीं मन बुद्धि ने विचार किया समझा आंखों ने रंग देखा तो यहां आंखें भी आई मन भी आया बुद्धि भी आई ठीक अच्छा अब मैं इसको मलू तो तुम्हारी आंखें मली गई इसे तोड़ू ये तुम्हारा मन टूटा ये देखो ये टूटा तुम्हारा मन ये देखो फेंक दिया मैंने ये तुम्हारा मन फीका इसमें मन बुद्धि नेत्र यहां तक आए मन बुद्धि नेत्र ने फूलों को देखा पर देख के भी मन इन फूलों से अलग है नेत्र तुम्हारे इन फूलों को देख के भी इन फूलों से अलग है बुद्धि इन फूलों को देख के भी इन फूलों से अलग है तो फूल सहित भी है तुम्हारा मन बुद्धि और फूल रहित भी है तो ब्रह्म गुण सहित भी है और गुण रहित भी है जब गुण सहित है तो फिर उसका भोगता है अब ये फूल देखे तो मजा आया ना क्या बढ़िया दो दो चलो एक इधर तो एक इधर मजा आ रहा है नहीं दो दो तुम्हारे जिस मन को मजा आ रहा है वो मन यहां तक आया आंखों से देखा तो उसका आनंद तुमको हो रहा ये अगर इसे मैं फेंक दूं तो तुम्हारा मन फीका नहीं है आई कैनॉट आई कैनॉट थ्रो योर माइंड आई कैनॉट थ्रो योर आईज बाई थ्रोइंग द्लॉर्स कैन आई नो आई नॉट